सत श्रीकाल जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पे वीजा एंड ट्रैवल विद हरप्रीत। मेरा नाम है हरप्रीत। सो हम वीजा एंड ट्रैवल के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं, वीजा के रिलेटेड भी आपको नॉलेज देते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जो भी हम ट्रैवल करते हैं वो साथ में आपको व्लॉग्स भी दिखते रहते होंगे। तो अभी जो अनाउंसमेंट है यूके से, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है कि यूके ने जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है उनके लिए जो बैलेट की डेट्स अनाउंस कर दी है। तो जिनकी पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, जिनकी एज है 18 से 30 साल, पहले वैसे मैं वीडियोस ऑलरेडी काफी बना चुका हूँ इसके ऊपर, जिसकी एज है 18 से 30 साल, बैचलर्स डिग्री करी हुई है चाहे किसी भी स्ट्रीम में करी हुई है, 3 साल की डिग्री रहती है, और आप एलिजिबल हो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए। आपको कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, कोई आयल्स नहीं चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं होगी आपकी, जस्ट आपको फंड्स चाहिए, 3 लाख के आसपास आपको फंड्स रखने हैं, और अगर आपका बैलेट में नाम आ जाता है तो आप एलिजिबल होते हो फर्दर वीजा अप्लाई करने के लिए। और लगभग सबके ही वीजाज आते हैं। हाँ, किसी की किसी ने खुद गलती कर दी हो वीजा फाइलिंग में, या किसी से भी एजेंट से काम करवाया है, मतलब कोई गलती हम खुद कर रहे हैं फिर तो चलो वीजा नहीं आएगा, बट हाँ अगर इन केस अगर हम सारी चीजें स्मूथली कर रहे हैं, सारी चीजें नॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 100% वीजा आएगा इसमें, और खर्चा बहुत ही ज्यादा कम है। 2 साल के वीजा के अकॉर्डिंग, वर्क परमिट के अकॉर्डिंग बहुत खर्चा कम है। और जो बैलेट में जो नाम है, जो बैलेट में आप नाम डाल सकते हो, वो 25 जुलाई से आप बैलेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1:30 बजे के आसपास ये ओपन हो जाएगा। 25 जुलाई से 27 जुलाई तक ये आपका बैलेट ओपन रहेगा। जिसका भी नाम आता है 3-4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। वैसे अम्बेसी जो कहती है कि हम 14 दिन लेते हैं, 21 दिन लेते हैं, इस तरीके से हम बैलेट में जो बच्चों का नाम आता है उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। बट लास्ट टाइम क्या होता, 4-4 दिन बाद ही जो बैलेट में नाम डाले थे जिन लोगों ने, उनका जो भी यस और नो हो गई थी कि आपका ड्रॉ में नाम आया है या नहीं आया है। इनिशियली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि अपना पासपोर्ट फ्रंट बैक आप स्कैन करा सकते हो। स्कैन करा के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हो अपना बैलेट में। ओटीपी आता है, मोबाइल पे भी ओटीपी आता है और ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आता है। तो इनिशियली आपको सिर्फ पासपोर्ट ही अपलोड करना होता है, डिग्री वगैरह या फंड्स वगैरह अपलोड नहीं करने होते, वो सारी चीजें बाद में रहती हैं। पहले बैलेट में नाम आएगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो और अपना नाम बैलेट में डाल सकते हो। बेस्ट विशेज है आपको मेरी तरफ से। आप अपना सारे अपना लक आजमा के देखो और गुड लक आप सबको। एक और चीज मैंने बतानी थी, काफी लोग मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, भाई इतना टाइम कई बार नहीं होता, तो हमने सिर्फ अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया है। जो अपॉइंटमेंट लेगा वो मिल भी सकता है और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी हम बुक कर सकते हैं अगर कुछ जानना चाहते हो तो। मीटिंग के लिए भी अपॉइंटमेंट रहेगी और टेलीफोनिक जो बात करना चाहते हैं फोन पे उसके लिए भी रहेगी जो अपॉइंटमेंट रहेगी। तो अपॉइंटमेंट की नॉमिनल से चार्जेस होंगे, आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और फोन नंबर जो दिया हुआ आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना, भाई कॉल्स उठानी इतनी पॉसिबल नहीं होती है। तो अपॉइंटमेंट के साथ ही आप बात कर सकते हो। बाकी आप अप्लाई करो अपना वीजा और आप अपना बैलेट में नाम डालो। आपका लक है, आपका नाम आता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर साल ये बैलेट जो आता रहेगा, और टूरिस्ट वीजा या स्टडी परमिट्स तो रहते ही हैं, आप दूसरे वीजा पे भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपका बैलेट में नाम नहीं आया तो आप किसी और वीजा पे नहीं जा सकते, आप और वीजा पे भी जा सकते हैं।